We are going to resume with the chapter, the haloalkanes and the haloarenes. In this chapter, we were discussing about the nucleophilic substitution reaction, जिसमें से बेटा एक कैटेगरी हम कर चुके हैं, that is the SN1 reaction और उसके factors. आज जल्दी जल्दी से SN2 लेके फिर chirality पढ़ के फटाफट से आ जाएंगे chemical properties पे. Okay जी, next class में try to wind up the chapter. और after winding up this chapter, उससे जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक के चैप्टर्स होंगे वो मैं थोड़ा क्वेश्चन के प्रस्पेक्टिव से लूंगी, जैसे आपके नीट में आते हैं. बेसिक चैप्टर आपको बता दिया, ठीक है. चलिए, उसके बाद है बच्चा SN2 रिएक्शन. और जो SN2 रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक. पहले तो इसको बाई लिखते हैं, बाय मॉलिक्यूलर, 2 लगा है ना ऊपर, तो दिस इज अ बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी. And in the bimolecular nucleophilic substitution reaction, SN2 reaction, इसको हम शॉर्ट में लिख के चलेंगे. ये 2 का मतलब बाय है, तो बेटा जितना इसके ऊपर लिखा होता है उससे अपोजिट है, तो ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन. एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाता है. और अगर इस रिएक्शन को देखें तो एक ही स्टेप में आपका, जैसे मैंने एक ये प्राइमरी वाला एल्काइल हैलाइड ले लिया, एक ही स्टेप में आपका एल्काइल हैलाइड है और उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा. तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो जिस साइड पे आपका प्रेजेंट है एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, जिसको LG लिखा था हमने लास्ट क्लास में, विच इज अ लीविंग ग्रुप, उससे अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है. उसी अपोजिट साइड से जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, उसका रीजन ये होगा क्योंकि इन दोनों न्यूक्लियोफाइल्स के बाद जो एग्जिस्टिंग है या जो आपके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, बोथ आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दोनों ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं. तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल ना करें, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको आप बैक अटैक करवाते हो. तो बैक अटैक करवाने पर ये कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है स्ट्रक्चर. देखो CH मान लो ये है आपका जो एग्जिस्टिंग था, जिसको मैं लीविंग ग्रुप बोलती हूँ, और इस साइड से आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. लास्ट में देखा होगा आपने, लास्ट वाले को क्या बोलते थे, इंटरमीडिएट. जब इंटरमीडिएट बनता है तो इंटरमीडिएट को मतलब यू कैन शिफ्ट, यू कैन सेपरेट आउट, द बेस्ट वर्ड इज अ सेपरेट आउट. उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं बेटा, इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ये रिएक्शन मिक्सचर में ही होगा. मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ना ये कम्प्लीटली रिएक्टेंट है ना ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट है, ठीक है. और ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें रिएक्टेंट के बीच वाले जो बॉन्ड हैं वो ब्रेकअप हो रहे हैं और प्रोडक्ट के बीच वाले जो बॉन्ड हैं वो बन रहे हैं. तो जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो इट इज समथिंग लाइक CHH, और या मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही बना देती हूँ आपका प्रोडक्ट जैसे एक्चुअली बनता है. यहाँ पे आपका आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और बाकी आ जाएंगे एच, तो ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है. तो सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं. जब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एट दिस साइड वी आर हैविंग द एनर्जी, over to this side we are having the progress of the reaction. और इसमें क्या होता है, क्या बनता है देखो. अब इसमें व्हाइट कलर दे देते हैं थोड़ा सा. ये वाला जो पोर्शन होता है ये लास्ट रिएक्शन की तरह एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है. अगर जितनी रिएक्टेंट के पास एनर्जी है उसके अलावा जितनी हमें एक्सेस में देनी पड़ रही है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई. और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक ऐसी स्टेट फॉर्म होती है जो ना कम्प्लीटली रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई. और ट्रांजिशन स्टेट होती है अनस्टेबल, ठीक है. ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास अनस्टेबल है,
जो अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है दैट पर्टिकुलर इज ड्यू टू द रीजन दैट इसमें जो कार्बन एटम है ना वो आपका पेंटावेलेंट कार्बन एटम है. आपने देखा होगा कार्बन के 5 बॉन्ड बने हुए हैं, पेंटावेलेंट कार्बन एटम, ठीक है. और कार्बन के तो यूजुअली 4 बॉन्ड्स बनते हैं तो ये इसलिए अनस्टेबल है. हाइब्रिडाइजेशन का चेंज, ये भी sp3 था और ये भी sp3 था, और इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है. पूछेगा ऑप्शन में तो sp3 ही कही जाएगी क्योंकि है तो बेसिकली ये पार्शियल बॉन्ड है, बट इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम श्योरली नहीं बता सकते हैं क्योंकि 5 कार्बन एटम है तो इसमें कोई डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है और हाइब्रिडाइजेशन का कुछ चेंज ही नहीं होता. जब हाइब्रिडाइजेशन का चेंज होता है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, ये वे देखो बाकी ऑप्शन में से sp3 करेक्ट ऑप्शन है बट 100% करेक्ट sp3 भी नहीं है. क्यों? क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं बनते हैं उसमें, ठीक है. जब ये ट्रांजिशन स्टेट है जब बन के खत्म हो जाएगी हमें पता भी नहीं लगेगा, तो आपको या तो ये दिखाई देगा या ये दिखाई देगा. वो हाइब्रिडाइजेशन चेंज उसका पूछेगा जिसको आप सेपरेट कर सकते हो, इसको तो आप सेपरेट ही नहीं कर सकते हो ना. उसके बाद क्या आ गया आपके पास, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया. उसके बाद इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछी जाती है रिएक्शन में. स्टीरियो केमिस्ट्री है इसकी 100% इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो हमने रिएक्टेंट लिया है उससे उसमें जहां पे एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल था बैक अटैक होता है, इसको बोलते हैं बैक अटैक, है ना. जो आपके पास आंसर आता है वो उस वहां पे न्यूक्लियोफाइल उससे अपोजिट होता है, ठीक है. उसका रीजन क्या है, क्योंकि रिपल्शंस ना हो तो इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिग्रेशन आता है यहाँ पे. यानी कि अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, अभी तो ऑप्टिकली एक्टिव मैंने नहीं लिया है क्योंकि 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं. अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता तो आपका जो कंपाउंड है ये डेक्स्ट्रो होता तो वो लास्ट वाला प्रोडक्ट इसका लेवो देता. तो दिस इज अबाउट द स्टीरियो केमिस्ट्री ग्राफ ट्रांजिशन स्टेट एंड ऑल. एंड इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन, तो रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन के लिए तो बहुत आसान है. अब रेट किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे कौन सा 2 स्टेप है जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है, यू डोंट हैव टू चेक इट आउट. तो रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल बिकॉज बोथ आर इन्वॉल्व्ड ओवर हियर, ठीक है. तो इसमें जो रेट हो जाएगा 1 यहाँ से जाएगा 1 यहाँ से जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बाई मोलिकुलर. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ बाई मोलिकुलर. बाई मोलिकुलर भी है और देखा भी ऐसा ही गया कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व एल्काइल हैलाइड पे भी रेट डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी रेट डिपेंड करता है. तो दैट मीन्स इसका जो रेट है वही ऑर्डर भी 2 है और बाई मोलिकुलर यानी कि मोलिकुलरिटी भी 2 है, ठीक है. लास्ट रिएक्शन में तो ऐसा था ना कि वो यूनिमोलिकुलर था तो उसमें मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन बोल के बराबर कर दिया था. इसमें तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा चेक किया गया, ठीक है. तो ये है SN2 रिएक्शन, इज दैट क्लियर? यस मैम. चलो उसके बाद फैक्टर्स देख लो फटाफट से. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले आ जाएगा टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट. टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट किस टाइप का है. देखो एज इन द ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन एटम इज पेंटावेलेंट, सो द बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है. तो जो बल्की ग्रुप प्रेजेंट होते हैं सबस्ट्रेट में वो क्या क्रिएट करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं. हेंस यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है. हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड दिस रिएक्शन इज
सबसे पहले आएगा आपका 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर आएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन इज द 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड देन इज द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. दिस इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अर्लियर. इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके चलिए, तो सेकेंड फैक्टर हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल. नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे. यस मैम. ना क्योंकि यहाँ पे तो हमने दो पे डिपेंड लिखा है कि ऑर्डर रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द टू थिंग्स. तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इफ आई एम हैविंग द, ये आप बताना मुझे. ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे लिख देती हूँ. इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं. इसको सी दे देते हैं. इसको डी दे देते हैं. नाउ ट्राई दिस आउट. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड SN2 reaction. Try this out. एक आंसर मेरे पास आया है. हाँ जी, बस एक ही बच्चे को समझ में आया. अब आ गए हैं दो. सेकेंड आंसर तो रॉन्ग है, फर्स्ट वाला सही है. चलिए एनी हाउ, देखो सबसे पहले ना आप इनमें डोनर क्या है वो लिख लिया करो. जिन्होंने जीओसी किया है ढंग से उनको पता होगा कि यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और नेगेटिव भी है. तो इसका डोनर है जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन बी नेगेटिव. यहाँ पे एन बी है नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन का, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग है ये एन बी नेगेटिव, ये भी ऑक्सीजन है. एन बी है बट नाइट्रोजन का है, यहाँ पे एन बी नेगेटिव है ऑक्सीजन का. तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि जो डोनर एबिलिटी होती है वो ये ऑर्डर फॉलो करती है. डोनर एबिलिटी इज एन बी नेगेटिव, उसके बाद एन बी, उसके बाद पाई, उसके बाद सिग्मा. ये है हाईएस्ट मॉलिकुलर ऑर्बिटल जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं डोनेट होते हैं हाई एनर्जी के. तो ए और डी की डोनर एबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी बी और सी से. अब ए और डी में कैसे डिसाइड करेंगे? जो डी में है ना, डी में डीलोकलाइजेशन है. डीलोकलाइजेशन का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे आ रहे हैं. तो एज अ रिजल्ट ऑफ द डीलोकलाइजेशन ये इलेक्ट्रॉन करेंगे रिवॉल्व. ये नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द एसिड, है ना, या इलेक्ट्रोफाइल. तो ये तो अवेलेबल ही नहीं है. तो अगर ये अवेलेबल ही नहीं है, घूम रहे हैं, जितना भी डीलोकलाइजेशन होता है ना उतनी डोनर एबिलिटी डिक्रीज होती है. डोनर एबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी फिर ए की, उसके बाद डी की आएगी. अब इनमें से तो बहुत इजी था, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देना था. नॉन बॉन्डिंग नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन की ज्यादा होती है. तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डोनेशन मुश्किल होगा. तो पहले सी आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा. दिस इज अ ए बी सी डी, no sorry a d c b and the answer given by one student is correct. ठीक है, तो this is the nature of the nucleophile. और ये question आपका अच्छे level का question है, पूछा जा सकता है. चले आ गया, अगर समझ में आ गया तो. yes ma'am. third है आपका nature of the leaving group. पहले तो तीन ही चीजें है ना, substrate है, leaving group है और exit nucleophile है. इनके बारे में discuss कर लेते हैं. तो nature of the leaving group,
तो बेटा रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, वो आप कि जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो जल्दी आपका रिएक्शन करेगा. इसमें सी एक्स बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखी जाती है और वो सब बच्चों को पता है कि ये दोनों में सेम है, मतलब एस एन वन और एस एन टू दोनों में ऑर्डर सेम है. तो अगर मैं हैलोजन की बात करूं और जो हैलोजन है आपके वो ये हों, एफ है, सी एल है, बी आर है और आई है, तो नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप होगा सबसे ज्यादा आयोडीन का. यस, फिर बी नेगेटिव, फिर सी एल नेगेटिव और फिर एफ नेगेटिव. बाकी वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, टोसाइल ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप है, एसीओ नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप है. ऑल दीज आर द गुड लिविंग ग्रुप्स. एंड द फोर्थ इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तो रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट क्या चेक करोगे? देखो जो आपके हैं इसके बारे में अगर बात करें, आर एक्स है ना, इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता. मैं बार बार बोलती हूँ इसमें नो कार्बोकेटायन फॉर्म्ड. तो जब कार्बोकेटायन फॉर्म्ड ही नहीं होता तो आपके पास पहले तो ये नेगेटिव पॉजिटिव था, पर जब आप इसमें न्यूक्लियोफाइल लेके आते हो ना और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव पहले से कम हो जाता है क्योंकि ये बट जाता है. ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी पार्शियल पॉजिटिव हो गया, तो ये बट गया. ठीक है, तो आप बोलोगे कि द ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर देन द रिएक्टेंट और द सबस्ट्रेट, देन द रिएक्टेंट और द सबस्ट्रेट. सो नॉन पोलर और लेस पोलर सॉल्वेंट्स कैन बी यूज्ड. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी चेक करनी होती है. जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उतना रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड कम होगी. इस केस में जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा SN1 की ज्यादा होगी. ठीक है, तो अब इसमें या तो वैसे तो मुझे लिखना चाहिए नॉन पोलर सॉल्वेंट से भी रिएक्शन हो जाएगा, या मान लो आपके पास दो सॉल्वेंट हैं, वो एक पोलर है एक लेस पोलर है दोनों पोलर है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? जो नॉन पोलर है वो उस साइड पे जाएगा, लेस पोलर है जो इस साइड पे जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लास में भी कि जो एसीटोन है ना, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो एसीटोन आता है आपका उसमें लेस पोलर में. तो जब एसीटोन जैसा लिखा होता है ये लेस पोलर है तो ये SN2 रिएक्शन करवाएगा. ठीक है, वाटर जैसे सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन करवाएंगे. फिफ्थ आ गया आपका द प्रेजेंस ऑफ द क्राउन ईथर्स. अब ये क्राउन ईथर्स का क्या है? देखो कई बार क्या होता है कि क्राउन ईथर जैसा कुछ वहां पे लिखा हुआ है. 11th क्लास की केमिस्ट्री में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में कि कुछ ऐसी केज लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. अब क्या होता है कि मान लो कुछ ऐसा होता है क्राउन ईथर, जैसे ऐसी कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं. ठीक है, अब इनमें क्या होती है कैविटी, और इस कैविटी में मान लो मैंने KCN लिया. ठीक है, KCN क्या है आपके पास? K+ और CN नेगेटिव. एक बात मैं सिक्स्थ पॉइंट और लिखा देती हूँ, बेसिसिटी है ना, बेसिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. जितना न्यूक्लियोफाइल आपका बेसिक होगा दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन. अब आप बोलोगे कि SN1 रिएक्शन में क्या होगा? SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं करता, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होगा उस पर, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा SN2 का. तो जो आपका KCN है, K+ है और CN नेगेटिव है, उस केस में क्या होता है? अब KCN को तोड़ने के लिए क्राउन ईथर डाला होता है. ये क्राउन ईथर क्या करता है कि जो आपके पास K+ है ना उसको अपनी कैविटी में रख लेता है, उसने इसको ट्रैप कर लिया. तो आपके पास CN नेगेटिव रिलीज हो गया, तो CN नेगेटिव रिलीज हो गया, CN नेगेटिव बेसिक भी है अच्छा खासा, तो फिर यो SN2 रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देता है. SN2 रिएक्शन रेट इंक्रीजेस, जैसे वहां पे आयनिक सॉल्ट इंक्रीज करते थे ऐसे ही आपके पास ये करता है.
ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल रिलीज हो जाता है, और न्यूक्लियोफाइल जब रिलीज हो जाएगा तो SN2 रिएक्शन ही करवाएगा, क्योंकि SN1 में तो कोई मतलब ही नहीं है इसका. दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द SN1 एंड द SN2 रिएक्शंस. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम. चलो उसके बाद है हमारे पास कायरैलिटी का टॉपिक. कायरैलिटी के बारे में मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ, इजी क्वेश्चन आता है इसका. कायरैलिटी है आपके पास, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वन एटम. इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वन एटम. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल. पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है. या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, या इट इज नॉन सुपर इम्पॉजिबिलिटी ऑफ इट्स मिरर इमेज. नॉन सुपर इम्पॉजिबिलिटी ऑन इट्स मिरर इमेज. ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या रहता है, नॉन सुपर इम्पॉजिबल रहता है. अब कायरल कंपाउंड जो होते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. इसको रिवर्स भी बोल सकते हो, जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो होगा कायरल, ठीक है, और जो कायरल होगा वो होगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज. काफी सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें क्या देखोगे आप, अगर तो आपके पास एक ही कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम, इफ द कंपाउंड, जो पेपर में क्वेश्चन आता है बेसिकली, इफ द कंपाउंड कंटेन्स वन कायरल सेंटर. कायरल सेंटर की कैलकुलेशन भी आती है, वो भी मैं बता देती हूँ कैसे देखना है. अब कायरल कैसे चेक करते हो, कायरल कार्बन, पहली कंडीशन तो है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है वो CABCD टाइप का होना चाहिए. CABCD टाइप का मतलब है कि जो चार ग्रुप टेट्राहेड्रल में उसके साथ लगे हैं वो सब डिफरेंट होने चाहिए. अगर ये दो कंडीशंस ओबे करता है वो कायरल कार्बन है. अगर आपको कायरल कार्बन ढूंढना है तो आप बस ये दो कंडीशंस चेक करते चलो, पूरे मॉलिक्यूल में ढूंढ लो. तो अब हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था कि अगर किसी कंपाउंड के पास एक कायरल कार्बन एटम है, यानी कि कोई कंपाउंड ऐसा है सी के साथ एक CH3 लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, एक BR लगा हुआ है, एक C2H5 लगा हुआ है, ऐसे चार ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है. अब इसमें ये कार्बन कायरल कार्बन एटम है, तो ये हम कंपाउंड हमेशा अपनी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ही देगा. अगर मैं इस कंपाउंड की 3D पिक्चर बनाऊ ना तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा 3D में. ये तो कोई ग्रुप वैसे कहाँ पे भी लगा सकते हैं, पर मैंने ऐसे लगा दिया है ऐसे. अब इसकी मिरर इमेज जब देखोगे आप, ये मिरर लगा दिया, मिरर इमेज जब चेक करोगे तो दिस इज अ CH3. अभी तो मैं हाइपोथेटिकली यहाँ बना देती हूँ, वैसे आपको पता लग जाएगा जब आप मिरर के सामने इसको रखोगे. तो दिस इज अ H एंड दिस इज अ BR, इस तरह का ये दिखाई देगा. अब आप इसको कुछ भी कर लो, ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट नहीं हो सकता. इसको उठा के इधर रखोगे तो BR इधर है ना. इसको उल्टा कर दोगे तो आपको देखने में लगेगा कि उल्टा होके रखा जा सकता है, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. उल्टा करके भी नहीं रख सकते हैं उसको. क्यों नहीं रख सकते हैं बेटा, क्योंकि इसमें आपका ये वाला ग्रुप जो अबव है वो बिलो चला जाएगा अगर आप इसको घुमाओगे तो, ठीक है. इनकी भी पोजिशन चेंज हो जाएंगी. तो ये आपके पास आ गया, एक एक कार्बन एटम है अगर कंपाउंड में, तो वो शो करेगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज. नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज इसकी होगी, मतलब ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या नहीं हो पाएगा, सेट नहीं हो पाएगा. और अगर कोई कंपाउंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देता है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा. तो ये तो है एक कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड की बात. सेकेंड देख लेते हैं. If the compound contains two chiral centers, if the compound contain two chiral centers, तब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. अब इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड भी आ सकते हैं जैसे COOH, COOH, COOH,
COOH. अब इस कार्बन एटम के साथ देखो तीन ग्रुप, ये चौथा ये डिफरेंट है, इस कार्बन के साथ देखो तीन, ये चौथा ये डिफरेंट है, तो ये दो कायरल कार्बन एटम है, तो इसे ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था। ठीक है, लास्ट वाली कंडीशन में आप ये मेंशन भी कर सकते हो, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कायरल, या कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि मैं मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रही हूँ, मॉलिक्यूल आपका कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर इसमें दो कायरल सेंटर हैं, इसको दोनों को ऑप्टिकली एक्टिव, इस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पर इस कंपाउंड में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का सिंपल सा मीनिंग है कि इसको बीच में से काट दो तो इसके दो इक्वल एंड ऑपोजिट पोर्शन होते हैं, मतलब ये दोनों पोर्शन सेम होते हैं। ठीक है, तो ये इसको दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है, तो जब ये इसको दो इक्वल पोर्शंस में, सेम पोर्शन में डिवाइड करता है, तो इसको हम ऐसा बोलेंगे कि इसकी ऊपर वाले पोर्शन की ऑप्टिकल एक्टिविटी इसके नीचे वाले पोर्शन की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देती है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। अब इसमें क्या क्या था, देखो दो थे कायरल सेंटर, ठीक है, दो थे कायरल सेंटर, और दूसरा था वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जब दो कायरल सेंटर हो, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो हो जाता है इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब होता है कि खुद से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल हो गई, इंटरनल कंपनसेशन हो गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आएगा, और ऐसे कंपाउंड को केमिस्ट्री में बोला जाता है मीजो कंपाउंड। तो ये मीजो कंपाउंड्स की दो कंडीशन आ गई कि दो कायरल सेंटर होने चाहिए और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। अच्छा, अब अगर ऐसा कंपाउंड ना होके कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाता है COOH पर यहाँ आ गया CH3। ठीक है, अब इस कंपाउंड को कैसे चेक करेंगे, इसमें तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो पहले इस कंपाउंड की मिरर इमेज बनाओ। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो COOH आ गया, COOH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, यहाँ पे भी COOH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, और CH3 आ जाएगा। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि हम तो इसको घुमा के रख देंगे, जब घुमाना होता है ना, देखो मैं आपको एक फोन से समझा देती हूँ, ये मेरा फोन है, आप इसको या तो ऐसे घुमा सकते हो या इसको ऐसे घुमा सकते हो, इसको ऐसे नहीं घुमाना। ऐसे घुमाने का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन जंप करवा रहे हो, आउट ऑफ द प्लेन जंप करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उसको छलांगे नहीं लगवानी है, ऐसा नहीं करना है, या तो इसको ऐसे लेके आओ या इसको ऐसे लेके आओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जो ऐसा घुमा रहे हो तुम पेपर में किसी मॉलिक्यूल को, या ऐसा घुमा रहे हो, तो इसका मतलब है आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, तो इसका मतलब है मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल एट अ रूम टेम्परेचर। तो इसको तुम ये ऐसे घुमा सकते हो, इसको अगर तुम्हें OH को इधर शिफ्ट करना है तो तुम इसे ऐसे घुमाना चाहोगे, है ना, तो ऐसा शिफ्ट करने पे OH तो इधर आ जाएगा, पर ऊपर नीचे वाला खराब हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा CH3, नीचे आ जाएगा COOH। तो इसको बोलते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रखता है, तो अगर ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रखता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मतलब क्या हो गया, कायरल है। मैं कायरल मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहली लाइन यही लिखी थी कि कोई भी कंपाउंड कायरल होता है, एटम की प्रॉपर्टी नहीं है ये सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन कि दो कायरल सेंटर हो तो कैसे क्वेश्चन करना है। अब आ जाओ तीसरे पे, तीसरा है आपके पास कि लेट अस सपोज कि मेरे पास इसका केस ही ले लेते हैं, टू डिफरेंट है जिसके ग्रुप से डिफरेंट है। ठीक है, कुछ ऐसा है, Cl है, Br है, Br है, Cl है, CH3 है। अच्छा, मैं कुछ लिख रही हूँ, आप मुझे चेक करके बताना कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, अपनी अपनी कॉपी पेस्ट की इमेज बना के चेक करना। ठीक है, चेक फॉर दीज टू कंपाउंड्स, गिव मी 1 मिनट।
Yes, who can tell me was whether the first compound is optically active or not? मैम ऑप्टिकली एक्टिव गुड, क्योंकि इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर नहीं आ रही है, देखना जरा ध्यान से. सी सी एल बी आर, सी बी आर सी एल एंड सी एच थ्री. इस कंपाउंड की जब आप मिरर इमेज रखोगे तो वो जाएगी सी ओ ओ एच, सी सी एल बी आर, सी बी आर सी एल एंड सी एच. ये किसी भी तरह से अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट नहीं होता है. ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव. यस, ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल. अब देखो, कोई भी कंपाउंड एंड इसकी मिरर इमेज, ठीक है, जो आपस में क्या है, ऑप्टिकली क्या है बेटा, आपस में एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव. इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं. ये तो है ना, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं. अब जो पहले वाला कंपाउंड है, मान लो कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ऑप्टिकल एक्टिविटी का, वो आपको ये आंसर नहीं दे सकता है कि ये डेक्स्ट्रो है या लेबो है. बस ये बताएगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है. तो मान लो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो सेकेंड वाला हो जाएगा लेबो. ठीक है, तो इनको आपस में रिलेशनशिप में बोलते हैं इनेंशियोमर्स. दीज टू आर कॉल्ड एज अ इनेंशियोमर्स. इनेंशियोमर्स की क्या डेफिनेशन हो गई? ये हो गई द टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, विच आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उसे बोलते हैं इनेंशियोमर्स. अब आप इसको भी देखो, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव आया होगा. यस मैम. ठीक है ना, ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव. अब देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया आपको. ए और उसकी मिरर इमेज, ए और उसकी मिरर इमेज, ये भी आपस में क्या होंगे? इनेंशियोमर्स मैंने नीचे लिखा है ना. यस मैम. बी एंड इसकी मिरर इमेज, ये भी आपस में क्या होंगे? इनेंशियोमर्स. इनेंशियोमर्स. बट अगर तुम्हें पेपर में आ गया कि ए और बी में आपस में क्या रिलेशनशिप है? मैम मेसोमर्स. नो नो नो, मेसोमर्स के तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ना. मेसोमर में तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आती ही नहीं. हमने पीछे लिखा था ना, उनमें इंटरनल कंपनसेशन हो जाता है. ए एंड बी का आपस में रिलेशनशिप है डायस्टीरियोमर्स. अब डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ये भी टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, पर इनका आपस में मिरर इमेज नहीं रिलेशनशिप होता है. विच डू नॉट हैव द मिरर इमेज रिलेशनशिप, विच डू नॉट हैव द मिरर इमेज रिलेशनशिप, जिनका आपस में कौन सा रिलेशनशिप नहीं है, कोई मिरर इमेज का रिलेशनशिप नहीं है, दैट आर कॉल्ड एज द डायस्टीरियोमर्स. इज दैट क्लियर? यस मैम. ठीक है, तो अब मीजो भी देखना आ गया, डायस्टीरियोमर्स भी देखना आ गया, इनेंशियोमर्स भी देखना आ गया, और वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है वो भी देखना आ गया. ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमने, ये है ना जो इफ द कंपाउंड कंटेन द टू काइरल सेंटर्स, तो टू काइरल सेंटर वाला तो मैंने करवा दिया है. अब ये इसको मैं थ्री नहीं लिखूंगी, ये आपका है एक्चुअली में उसी का पार्ट है, उसको आप लिख लो कुछ ये पहले कोई हमने लगाया है इसका पॉइंट, इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल ए, इसको ले लेते हैं, चलो मैंने इसको ए बी कर दिया है एनी हाउ. ठीक है, मतलब ये आगे नहीं है, अगला टॉपिक नहीं है. अब आ जाओ थर्ड पे. इफ द कंपाउंड कंटेन्स द ए काइरल सेंटर्स, इफ द जितने मैंने आपको टॉपिक कराए हैं उसी में से क्वेश्चन लग जाता है इसका. इफ द कंपाउंड कंटेन द ए काइरल सेंटर्स, अगर आपके कंपाउंड में ए काइरल सेंटर्स है तो कैसे पता लगाएंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? तो ए काइरल सेंटर कुछ ऐसे हो गया जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए एंड बी. तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एलीन्स, जिनके पास एडजेसेंट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होते हैं. दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलीन. इनके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है, देखो एक मेरा हाथ ऐसे है और एक मेरा हाथ ऐसे है. ठीक है, तो ये ऐसे नहीं है दोनों, इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है. ठीक है, मतलब ये वाले दो हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर और ये वाले दो ग्रुप हैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ अ पेपर. तो अगर हम इसे ऐसे काटेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है. अगर हम इसे मतलब ऐसे काटेंगे, कैसे कैसे काट दिया इसको, अगर तो आप इसको टॉप टू बॉटम करोगे तो ये दोनों डिफरेंट आ गए, ऐसे करोगे तो दूसरे डिफरेंट आ गए.
ठीक है ना, तो इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो देखो ये काइरल है ही नहीं है, ये कार्बन एटम है sp2, ये कार्बन एटम है sp2, ये कार्बन एटम है sp। तो मैंने तो आपको डेफिनेशन में लिखवाया था कि काइरल कार्बन तो sp3 होता है, तो इसमें है 3 है ना, 2 नहीं 3, इसमें है 3 a काइरल कार्बन एटम्स, a काइरल कार्बन एटम्स जिसको एलियंस बोलते हैं। तो इसमें कुछ मिरर इमेज नहीं लेना है क्योंकि ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, 3D मॉलिक्यूल तो है ही नहीं है। तो एलियंस के केस में बस दो कंडीशन याद रखना, पहली कंडीशन है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है द टू ग्रुप्स अटैच टू द वन कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, द टू ग्रुप्स अटैच टू द वन कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। तो ऐसी वाली जो एलियंस हैं ये हो जाएंगी ऑप्टिकली एक्टिव या काइरल। फिर से मैं बोल रही हूँ, मैंने काइरल एटम को नहीं लिखा, ये काइरल मॉलिक्यूल है। तो इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं जिसमें एलियंस का टॉपिक आपको बता दिया, मीजोमर डायस्टीरियोमर्स बता दिए, इनेंशियोमर्स बता दिए, उसके बाद मीजो कंपाउंड्स बता दिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है, काइरल कैसे चेक करना है वो बता दिया, ठीक है। अब इसमें एक टर्म और आती है जिसे बोलते हैं रेसिमाइजेशन, वो भी इसी पेज पे बता देती हूँ। अब ये इनेंशियोमर्स हैं, ये डेक्स्ट्रो है, ये लेवो है। मान लो आपने इनेंशियोमर्स का इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर ले लिया, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इनेंशियोमर्स अगर आपने ले लिया, तो बताओ वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? मैम ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। वो मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने SN1 पढ़ाया था, याद है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय मिक्सिंग the two enantiomers in the equal amount, है ना, that is called as a racemization. Next is a resolution. Resolution क्या हो जाएगा? इसका opposite. दोनों को separate out कर देना. The process of separation of ऑप्टिकली इनएक्टिव इनटू द टू ऑप्टिकली एक्टिव इनेंशियोमर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन। तो कुछ कुछ इसमें टर्म्स हैं, रिजोल्यूशन है, रेसिमाइजेशन है, इंटरनल कंपनसेशन है, वो भी बता दिया, कायरलिटी है, काइरल मॉलिक्यूल है, एलीन है, डायस्टीरियोमर्स है, इनेंशियोमर्स है, मीजो कंपाउंड है, वो भी बता दिया, सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, दिस दैट, दिस इज ऑल अबाउट द कायरलिटी, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे इसमें करना है। मैम प्रीवियस स्लाइड शो करना। मैम यहाँ आपने इसको काइरल क्यों लिखा, ये जो नीचे करके लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव एंड काइरल? क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मैंने इसलिए लिखा है। जब आपके पास एलीन होता है ना, चाहे इसमें एक काइरल सेंटर्स है, काइरल कार्बन एटम नहीं है, फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि ये कभी भी, देखो इसकी मिरर इमेज तो बनानी नहीं है, तो इसकी कायरलिटी ना चेक करते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये ऐसे है मॉलिक्यूल, अगर तुम इसको ऐसा काट देते हो, ऐसे जैसे मैं हाथ कर रही हूँ, ऐसे ब्लेड से काट दो, तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। अगर तुम इसे ऐसे काटते हो तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। तो किसी तरीके से भी ये सिमेट्रिकल नहीं है, डिसिमेट्रिक है। तो जब भी आपके पास ऐसा एलीन आए जिसमें दो ग्रुप डिफरेंट लगे हों, ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो, अगर इवन हो गया ना, तो फिर ये स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर अगला ऐसे, फिर वो सिमेट्रिकल हो जाती है स्ट्रक्चर, ठीक है, वो बन जाए। अभी ये क्या है, आपकी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसको आप मिरर इमेज से नहीं चेक करना, क्योंकि ये आपका 3D थोड़ा ना है, ये तो 2D है, ठीक है, या लीनियर है, सारा 2D ही है मॉलिक्यूल। तो इसको उससे चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री से, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो काइरल होता है, काइरल एटम को नहीं बोलना, काइरल जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव आ जाए वो पूरे मॉलिक्यूल के लिए लिखा जाता है,
ओके मैम। तो ये तो हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी। अब इसमें देखो थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको। जैसे SN1 पढ़ लिया, SN2 पढ़ लिया, लॉट्स ऑफ रिएक्शंस यू हैव डन, फैक्टर्स फुक्टर्स सब देख लिए तुमने। अब क्या होता है ना पेपर में, जब तो तुम्हारे पास आता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो तुम चल पड़ते हो किसके पास, SN2 के पास, और प्रोडक्ट दे देते हो, है ना। जब तुम्हारे पास आता है 3° अल्काइल हैलाइड, तो तुम किस डायरेक्शन में चल पड़ते हो, SN1 के पास, और क्या दे देते हो, प्रोडक्ट। ये अलग बात है कि कई, ये 100% ट्रू नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कई प्राइमरी भी होते हैं तब भी SN2 दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोकोटाइन स्टेबल बनता है। तो प्राइमरी के केस में हमेशा SN2 होगा, ये नॉट ऑलवेज ट्रू है। टर्शरी के केस में हमेशा SN1 होगा, ये भी नॉट ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बोकोटाइन पे क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर आपका कार्बोकोटाइन स्टेबल कहीं से भी बन रहा है तो वो SN1 होगा, चाहे कुछ भी हो, मतलब वो सबसे ऊपर वाला फैक्टर है, ठीक है। मैं बार बार लिख देती हूँ, ऑलवेज चेक। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन ऑन द प्रायोरिटी, तब आप रिएक्शन को डिसाइड कर पाओगे। और दूसरी बात इसमें क्या होती है ना, कि अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी आ गया, मान लो ये आ गया, ये, अब इसमें क्या करोगे, SN1 करोगे या SN2 करोगे। अब बोलोगे ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि ये तो सेंटर में आता था। अब इसमें क्या करना होता है ना, कि ये आपके डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे। मान लो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आ गया KOH जैसा। अब KOH में K+OH-, OH- स्मॉल है। अब ओ ये एक्वस लिखा है, मतलब ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकते हैं, ये आपका बेस भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ देर इज अ मैटर ऑफ अ चॉइस, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। मैटर ऑफ अ चॉइस का मतलब है कि अगर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने में कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आंसर दे देगा ऐसे, ठीक है। बट अगर यही आपका रिएक्टेंट तुम्हारे पास रिएक्ट करता है इससे, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से, CH3, 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 O and Na, मैंने Na लिखा है, कई किताबें प्लस K लिख देती हैं, इट हार्डली मैटर्स, वॉट एवर यू लाइक यू कैन टेक। अब इस वाले केस में ये बहुत बल्की है, तो जब कोई चीज बल्की होती है ना, तो वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं जा सकती, वो हमेशा क्या जाएगी, बेस जाएगी। और जब बेस होता है ना, तो हमेशा रिएक्शन कौन सा होता है, एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं करना, तब आपके पास रिएक्शन आ जाएगा एलिमिनेशन। अब ये क्या करेगा, बेस, बेस को प्रोटॉन चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं है कार्बोकोटाइन से। अब यहां से प्रोटॉन कैसे मिलेगा, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो अल्फा, इसके साथ वाले कार्बन को बोल दो बीटा, तो ये वाला जो नेगेटिवली चार्ज है ये जाएगा इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। तो जब प्रोटॉन पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि इसमें आंसर पता क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा CH3CH CH2। देखो दोनों में रिएक्टेंट सेम था, मतलब 2° था। अब ये जो 2° अल्काइल हैलाइड है, कई बार आपको प्रोडक्ट देगा सब्स्टिट्यूशन, ये कौन सा प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, और कई बार आपको ये प्रोडक्ट देगा एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। अब ये चॉइस करने वाला अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये चॉइस करने वाला है आपका न्यूक्लियोफाइल या बेस, यानी कि जिससे आप रिएक्ट कर रहे हो। तो हमेशा याद रखो, जो आपका होता है बल्कि, ठीक है, वो एक बल्कि ग्रुप, वो एक्ट करता है बेस, और बेस के केस में होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जिसकी एग्जांपल है तुम्हें पेपर में, अगर ये दिख जाए CH3 thrice CO-K+, अगर आपके पास हो नॉन बल्कि, क्योंकि बल्कि ग्रुप कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं जा सकता, न्यूक्लियोफाइल हमेशा स्टेरिकली सेंसिटिव होते हैं, तो वो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो वहां पे करेगा वो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे कोई भी ग्रुप हो सकता है, मतलब X- हो सकता है,
OH नेगेटिव हो सकता है या कोई भी ग्रुप, एनी ऑफ द छोटा ग्रुप कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें पेपर में। और मोस्टली ये क्वेश्चन कहाँ पे ट्विस्टिंग में आता है, जहाँ पे आपके पास सेकेंडरी है, जहाँ पे चॉइसेस नहीं अवेलेबल हैं कि क्या करना है। समझ में आ गया, एनी क्वेश्चन? नो मैम। देखो नो मैम का मतलब है समझ में आ गया। यस मैम। तो ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं और करते हैं इसके रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, क्योंकि हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। हमने ये तो आइडिया ले ही लिया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे मैं लिख दूं CH3 CH2 Br, इसको कर दिया मैंने KOH के साथ, या तुम्हें पेपर में आ गया एनीवे। ये बहुत बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे जेई वाले भी पूछते हैं, नीट वाले भी, कि मैम अगर KOH के आगे ना एल्कोहलिक लिखा है और ना एक्वस लिखा तो इसको क्या मानना है। अगर KOH के आगे एल्कोहलिक लिखा है तो सिर्फ एल्कोहलिक मानना है और एलिमिनेशन करना है। अगर KOH के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको एक्वस मानना है। एक्वस लिखा है तो भी एक्वस मानना है, एक्वस नहीं लिखा तो भी एक्वस मानना है, बट अगर एल्कोहलिक लिखा है तो स्पेशली एल्कोहलिक मानना है, ठीक है। तो अगर KOH से रिएक्ट करोगे तो आंसर आएगा CH3 CH2 एंड OH। बाकी ये SN1 है या SN2 है वो तो इस पे डिपेंड करता है ना, वो तो समझ जाओगे ना बच्चा। ये 1 डिग्री है ना, तो SN1 आराम SN2 आराम से दे सकते हो। इवन कि जो आपका ये रिएक्शन है ये 3 डिग्री वाला है। देखो रिएक्शन में प्लस माइनस जोड़ने के पीछे मत लगे रहा करो, रिएक्शन का बेसिक समझा करो कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। यस मैम। अगर जो मैं, आप बोलोगे कि मैडम आपने ऊपर वाला रिएक्शन और नीचे वाला रिएक्शन दोनों तो सेम ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, मेरा ये लिखने का मकसद पता क्या है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पानी तो एम्फोटेरिक है ना, एसिड भी है और बेस भी है। अब अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में तुम्हें ये बात पता है, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये क्या बना देगा, कार्बोकैटायन बना देगा, हाईली स्टेबल। तो हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बना देगा तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन जब बन जाता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है जो पानी को भी तोड़ के अल्कोहल बना लेती है, नहीं तो पानी कोई बहुत बेस नहीं था जिसने ये यहाँ पे OH लगा दिया। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ऊपर वाला वाटर से भी हो जाता है अगर 3 डिग्री लो तो। जिनको समझ आ गया होगा दे कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी कि मैंने क्या बताया। थर्ड रिएक्शन है बेटा, अगर मैं CH3 CH2 Br ले लूं, इसके साथ मैं एल्कोक्साइड ले लूं, जैसे NaOCH3, दिस इज कॉल्ड एज अ मेटल एल्कोक्साइड। तो मेटल एल्कोक्साइड क्या करेगा, Na प्लस होता है, CHO3 नेगेटिव होता है, इसके बारे में भी मुझे काफी बात करनी है, पहले ये रिएक्शन कर लूं। तो आंसर बन जाएगा CH3 CH2 और OCH3, इसको क्या बोलते हैं, क्या बन गया, इथर बन गया। Is it clear or not? Yes. अच्छा इसके बारे में भी बताना था। मान लो तुम्हें ये आया, चलो मैं तुम्हें देती हूँ ये ट्रायल, गिविंग यू 1 मिनट, मुझे बताओ क्या बनेगा। गिव मी द प्रोडक्ट। OH से पहले क्या लिखा है, ETOH लिखा है पहले एरो के ऊपर, दूसरे एरो के ऊपर ETON, ने रिएक्टेंट सेम है।
यस आया कुछ दिमाग में? हाँ जी नो मैम चलो अभी नहीं चल रहा वैसे। हाँ देखो जो ETOH है ना, इथेनॉल, तो समझ में आ रहा है कि ये इथेनॉल लिखा है। यस मैम ETOH होता है स्लाइटली एसिडिक, सबको पता ही है एच प्लस होता है और ओ नेगेटिव होता है। अब ये 3 डिग्री तो बनाएगा ही बनाएगा है ना, क्योंकि ये स्टेबल है। तो अगर ये 3 डिग्री बनाएगा तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ओ, और ये प्लस हो ई ओ एच यहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है लेट मी राइट इट ऑल। चलो अगर ऑक्सीजन के हिसाब से यहाँ पे अटैक होता है तो ये एच है और साथ में ईटी है और ऑक्सीजन पे तो प्लस होता है। अब ऑक्सीजन के साथ अगर प्लस है तो क्या ये स्टेबल है द पॉजिटिव चार्ज विद द ऑक्सीजन? नो मैम नो मैम नो मैम। तो फिर क्या करेगा ये, हाइड्रोजन बलि चढ़ जाएगा यस मैम तो कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाएगा OET है ना। ओ के ये तो लगा ही रहेगा, कौन बलि चढ़ेगा, एच चढ़ेगा, ईटी तो नहीं चढ़ेगा ना। नो मैम अच्छा अब ये वो रिएक्शन है जो मैंने पीछे किया है, ईथर। देखो ईथर बनाया ना, यस मैम एक ये रिएक्शन किया। अब देखना अब ये है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, बट ये जो आपका रिएक्टेंट है ना, अगर ETOH है एसिड और वीक एसिड, स्लाइटली एसिडिक लिखा ना मैंने, तो अगर लुईस सॉरी ब्रॉन्स्टेन लॉरिस कॉन्सेप्ट लगा लें तो ETO नेगेटिव और एच प्लस में जब ये टूटेगा तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। हाँ या ना? अरे अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता। यस मैम तो अगर ETOH वीक एसिड था तो ETOH का कंजुगेट बेस ही है ETO नेगेटिव, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हमेशा याद रखो कि जब भी ETO नेगेटिव लिखा हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस के पास ये आपके पास बल्कि आ गया, तो अगर बल्कि है तो ये तो फिर न्यूक्लियोफाइल तो एक्ट नहीं कर सकता ना, तो बेस एक्ट करेगा। तो यस मैम अगर ये बेस एक्ट करेगा तो ये CH2 और H टूट जाएगा, यानी कि तुम्हारा ETO वहां से क्या ले लेगा, H ले लेगा। ETOH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये भी हट जाएगा, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा ये, यानी कि रिएक्शन क्या गया, एलिमिनेशन। यस देखो मैम दोनों सेम रिएक्शन थे, देखने में दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। पहले वाला रिएक्शन जो है उसमें अल्कोहल दिया हुआ था, यानी कि अगर तुम्हारे पास पेपर में कंडीशंस हो स्लाइटली एसिडिक, तो स्लाइटली एसिडिक कंडीशन का मतलब है SN होगा रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक होगा, 1 होगा, इसलिए क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल था। अगर आपके पास क्वेश्चन में हो बेसिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन के साथ दिया हो आपके पास बल्कि, ठीक है, तो बल्कि क्या यहाँ पे RX, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एल्कीन बन जाएगा और एलिमिनेशन होगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में जब मैंने रिएक्शन लिखा ना, मैंने ये 3 डिग्री नहीं लिया, मैंने ये क्या लिया, 2 भी नहीं है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में फिर ये क्या जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। पर अगर तुम्हें पेपर में ये आ गया, मान लो तुम तो मेरे पास ये पढ़ के गए रिएक्शन, ठीक है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कैसा रिएक्शन, क्या बनाता है ये, ईथर बनाता है ना, है यस ना। मैम इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस और विलियमसन सिंथेसिस का रट्टा नहीं मारना है कि विलियमसन सिंथेसिस ऐसे हो गए, विलियमसन सिंथेसिस के पीछे का लॉजिक पकड़ना है। अब तुम्हें पेपर में यही क्वेश्चन आ गया जिसमें दिया हुआ था ETON ने और साथ में दिया हुआ था टर्शरी, और तुम वही रिएक्शन करके ईथर बना के आ गए, तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे 4 मार्क्स, बताना जरा मुझे।
जो तुमने इतनी मेहनत करके क्वेश्चन सही किया उसका भी माइनस वन हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, पड़ोसी के नंबर भी ले जाएगा साथ वाले क्वेश्चन के। तो ये ध्यान में रखनी है चीजें कि बेसिक कंडीशंस दिखी है, और बल्कि अल्काइल हैलाइड है तो एलिमिनेशन की तरफ रिएक्शन चला जाता है, और SN1 रिएक्शन में हमेशा स्लाइटली एसिडिक कंडीशन से ही काम चल जाता है। बेसिक कंडीशंस जहां पे भी लिखी हो तो सावधान हो जाना, एलिमिनेशन करके आना, वहां पे सब्स्टिट्यूशन मत करना। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी तो सबके सब्स्टिट्यूशन करके काम खत्म कर देती है। चलो एक दो और करा देती हूँ फटाफट। थर्ड रिएक्शन फिर से आपका हैलाइड एक्सचेंज आ गया, जैसे तुम उसमें करते थे हाइड्रोकार्बन में C2H5Br लगा हुआ है, उस पर MAI लगा दिया, एसीटोन ले लिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिंकरस्टेन बोलते हो ना इसको? Yes, ma'am. Plus NaBr. अब इसके मैम बारे में क्या बताऊं, पता तो है तुम्हें, ठीक है? अभी तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसके बाद अगर तुमने ये ले लिया C2H5 और NBr को अमोनिया से, ये तुम्हारा रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस। ऊपर वाला है फिंकलस्टेन, पिछले वाला था क्या था अभी पिछले वाला, विलियमसन सिंथेसिस, हॉफमैन रिएक्शन, रिएक्शन भी बोल सकते हैं, अमोनोलिसिस भी बोल सकते हैं। यस मैम। अच्छा चलो यही बस करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इस रिएक्शन का बेसिक समझो, जो अमोनिया है ना उसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो H को प्लस कर देगा, है ना? तो जब H प्लस हो गया तो Br ले लेगा, HBr हो जाएगा गेम से बाहर और बन जाएगा C2H5NH2। तो ये बना तुम्हारा 1 डिग्री अमीन। अब ये रिएक्शन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब तक तुम्हारे पास सारे हाइड्रोजन इसके चले नहीं जाते। फिर तुमने ले लिया C2H5Br दोबारा से, फिर इसका एक और चला जाएगा तो बन जाएगा C2H5 ट्वाइस और NH। फिर से अभी भी ये स्मार्ट है, C2H5Br फिर से ले लेगा, फिर क्या करेगा, C2H5 थ्राइस बन जाएगा और साथ में N बन जाएगा। जब तक इसके पास लोन पेयर है फिर से ले लेगा C2H5Br, तो ये क्या बना देगा, C2H5 कितने टाइम्स हो गया बेटा, 4 टाइम्स N प्लस एंड Br नेगेटिव। ये बना था प्राइमरी अमीन, ये बन गया सेकेंडरी अमीन, ये बन गया टर्शरी अमीन, और ये बन गया क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट की एक एप्लीकेशन है कि जब आप इसे हीट करते हो ना दोबारा से एल्कीन दे देता है ये, तो एक कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन है इसका हाइड्रोकार्बन, मतलब जब आप इसका आगे रिएक्शन करोगे तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? तो दीज आर द 4 रिएक्शंस। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट डन ही समझो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एराइल होगा और आई विल ट्राई टू वाइंड अप, ये चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं ताकि थोड़ा सा नॉलेज चेकिंग हो जाए।
बेटा क्वेश्चन लिखा है मैंने, आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन दैट एग्जिबिट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यू हैव टू चेक इट आउट कि कोई ऐसी एल्कीन तो नहीं है लिखी हुई मैंने जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है। पहला ऑप्शन है 2-methyl-2-pentene, दूसरा ऑप्शन है 3-methyl-2-pentene, थर्ड ऑप्शन है 4-methyl-1-pentene, फोर्थ क्वेश्चन है 3-methyl-1-pentene। चलो राइट, लेट मी जनरेट अ पोल फॉर यू। मिक्सड आंसर्स हैं, यू आर नॉट हैविंग टू मच क्लैरिटी, या तो आप इसको लिख के नहीं देख रहे हो और जो आंसर करेक्ट है उसको सबसे कम पोल। ऑप्शन नंबर 4 में 3-methyl-pent-1-ene है, व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5, बना बनाया क्वेश्चन नहीं मिलता है बेटा, बनाना पड़ेगा। 1-pentene ये हो गया, 3 पे मिथाइल है तो ये 3 पे मिथाइल हो गया, तो दिस इज अ CH एंड दिस इज CH2 एंड CH3 और एक हो गया H। अब जिस कार्बन पे मैंने स्टार लगाया उसके ऊपर चार ग्रुप चेक करो, जिस कार्बन पे स्टार लगाया उसमें एक साइड इथाइल है, एक साइड मिथाइल है, एक साइड H है और एक साइड, तो उसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो 4 इज अ आंसर। और इसमें हमें वो एक कार्बन ढूंढना था जिसपे चार ग्रुप डिफरेंट लग गया, और मैंने आपको आज ही पढ़ाई है ये बात कि अगर किसी कंपाउंड में एक काइरल सेंटर है तो इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट यू हैव नॉट डन, प्लीज बी ऑन म्यूट। रेसेमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय, नंबर 1 इज द आइसोमेरिक कंपाउंड्स, नंबर 2 इज द काइरल कंपाउंड्स, नंबर 3 इज द मीजो कंपाउंड। प्लीज बी ऑन म्यूट, व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग।
Go for it. ये भी जो मैक्सिमम पोल आप लोगों ने दिया दैट इज अ रॉन्ग आंसर. सेकेंड ऑप्शन को आप लोगों ने मैक्सिमम दिया, जबकि मैंने अभी आपको बताया भी था काइरल कंपाउंड कैसे रेसिमिक मिक्सचर हो सकते हैं. मान लो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स है ही नहीं, वो डायस्टीरियोमर्स हैं, पर है तो दोनों काइरल ना, तो वो मिक्स होकर रेसिमिक मिक्सचर कैसे दे सकते हैं. तो आइसोमर तो बिल्कुल गलत था, मीसो नहीं आ सकता, काइरल नहीं आ सकता, ऑप्टिकल आइसोमर्स आएगा ना. तो जो एक ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं व्हेन दे मिक्स टुगेदर दे आर गिविंग एज अ काइरल. ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब होता है इनेंशियोमर्स. जहां पे ऑप्टिकल आइसोमर्स लिखा हो उसका मतलब होता है इनेंशियोमर्स. इनेंशियोमर्स जब आपके मिक्स हो जाते हैं देन दे आर गिविंग एज द रेसिमिक मिक्सचर्स. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So today in the next class, we'll resume the lecture with your nucleophilic substitution and move up to the aryl halides.